सुप्रभात बच्चों, आपने जान लिया है कि अभी संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार किसे कहते हैं। ठीक है, अभी आज हम जानेंगे कुछ और उसके आगे वाला, यानी कि संज्ञा होने के बाद क्या आता है? सर्वनाम। संज्ञा होने के बाद क्या आता है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सर्वनाम। हो गया सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए मैं लिखूंगी, उसी तरीके से आपको लिखना है। संज्ञा शब्द के बदले, संज्ञा के यानी कि संज्ञा के बदले आने वाले, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तू, तुम, आप, वे इत्यादि। ठीक है, ये हो गए हिंदी के मूल सर्वनाम। कितने हैं? 11 हैं। वो कौन से हैं? मैं, तू, आप। हिंदी के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हिंदी के मूल सर्वनाम कुल 11 है। ठीक है, और वे कौन से हैं? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये है इसके सर्वनाम के, यानी कि हिंदी के मूलतः सर्वनाम है 11 है। वो कौन से हैं? मैं, तू, आप, यहाँ, वहाँ, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। यहाँ पे क्या होता है, अभी देखिए, हर बार मेरा नाम बोला नहीं जाता। आकाश पानी पी रहा है, आकाश खेल रहा है, आकाश उठ रहा है, आकाश पढ़ रहा है, आकाश गाने गा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। आकाश गाना गा रहा है, वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो पानी पीने के लिए गया था, ऐसे हम कह सकते हैं। हर बार हम आकाश आकाश आकाश, पायल पायल पायल, या रानी 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 नहीं कह सकते। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ उद्देश्य क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले शब्द। संज्ञा शब्द यानी क्या है? आकाश। आकाश एक नेम ऑफ द पर्सन है, वो व्यक्ति का नाम बार बार नहीं आना है, व्यक्ति का नाम एक ही बार आना है। तो यहाँ पे क्या करना है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया आपको
कि आकाश कमरे में जा रहा है, आकाश कमरे में पढ़ रहा है, आकाश खाना खा रहा है, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। आकाश कमरे में पढ़ रहा है और वो, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वो है, जो है, कुछ, कौन, कहाँ, ये वाले शब्द जो आते हैं वो जो है सर्वनाम शब्द है, उसका इस्तेमाल करके ही हमें शब्द यानी कि सेंटेंस को, वाक्य को आसान बनाना होता है, ठीक है। ये हो गया सर्वनाम का डेफिनेशन, ये हो गया सर्वनाम का व्याख्यान। अभी इसके बाद सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं उसके बारे में अभी हम जान लेंगे, ठीक है। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में से पहला वाला जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो दूसरा है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा वाला जो है संबंध अनिश्चय वाचक सर्वनाम, और निश्चय वाचक सर्वनाम। इसके बाद जो आता है चौथा वाला संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद जो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा जो है प्रश्न वाचक सर्वनाम। छठा जो है वो है निजवाचक सर्वनाम, ये हो गए सर्वनाम के 5 प्रकार। अभी हम इन 5 6 प्रकारों को जान लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। इसके पहले मैं यहाँ पे ही आपको यानी कि इतना ही सिखाना चाहूंगी, अगले क्लास में हम सीखेंगे ये जो 6 है पॉइंट्स, इसके आगे हम इसके पहले हम सीख लेंगे अगले क्लास में आपका जो लेसन नंबर 1 है या पोयम है वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक पढ़ाई करना है। धन्यवाद।